तो दोस्तों गंगा नदी जो है हम इंडियंस के लिए एक मेजर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है और साथ ही साथ हमारी जो है एक एंशिएंट रिवर की तरह भी सामने आती है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में ये खत्म होती है। लगभग 2700 किलोमीटर का है जो है इसका रूट है। काफी 15-20 सालों से दोस्तों गंगा नदी में पॉल्यूशन भी हो रहा है इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ने के कारण। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये कोरोना पैंडेमिक के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी ने अपने आप को कैसे हील किया दोस्तों, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ हमारी वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया की वो कैसे हील कर रही है दोस्तों इस लॉकडाउन और इस पैंडेमिक के दौरान, वो भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल कर्म की और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जो है पार्ट टू है, मैंने एक्चुअली पार्ट वन बना के रखा है, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पार्ट वन भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर। तो अब दोस्तों गंगा नदी का जो पानी है वो इंडियंस के लिए एक धार्मिक तरह से पवित्र माना जाता है और काफी सारे साइंटिस्ट और काफी सारे रिसर्चर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड से गंगा नदी का जो है वो रिसर्च करने, उसके पानी में ऐसा तो क्या है वो रिसर्च करने। काफी सारी रिसर्चों में ये पता चला है दोस्तों कि गंगा नदी में जो है काफी 15-20 साल से, पिछले 15-20 साल से जो है पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है इंडिया में। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण, अर्बनाइजेशन होने के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, मतलब दोस्तों गंगा नदी के आसपास शहर बनने के कारण, गांव बनने के कारण और काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ने के कारण जो है गंगा नदी में जो है पॉल्यूशन की मात्रा काफी ज्यादा हद से बढ़ रही है। तो अब जो मैं आपके सामने आंकड़े शेयर करने वाला हूँ आप जानकर चौंक जाएंगे। गंगा नदी में जो है वो सिर्फ 10% इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मतलब 10% जो है वो इंडस्ट्री का पानी छोड़ा जाता है। वो भी दोस्तों कितना सारा होता है आप देख सकते हैं, लगभग 650 से 670 मिलियन लीटर जो है वो रोज का पानी छोड़ा जाता है। मतलब 650 मिलियन लीटर यानी बहुत होता है, मतलब दोस्तों लगभग 65 करोड़ लीटर जो है वो पानी छोड़ा जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा। ये तो सिर्फ 10% ऑफ भाग है दोस्तों जो रोज छोड़ा जाता है गंगा नदी में। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो गंगा नदी में हो कितना पॉल्यूटेड वाटर छोड़ा जाता है और इससे गंगा नदी को कितना इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो अब 10% जो पॉल्यूशन था वो इंडस्ट्रियल वेस्ट था और बाकी 80% जहां से आता है दोस्तों वो अर्बनाइजेशन के द्वारा, मतलब आजू बाजू के जो गांव है, शहर है दोस्तों, वहां से पॉल्यूटेड वाटर छोड़ा जाता है, मतलब उनका जो गंदा पानी होता है वो गंगा नदी में छोड़ा जाता है। 10% के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे 65 करोड़ होता है दोस्तों, तो अभी ये 80% के हिसाब से कितना पानी गंगा रिवर में छोड़ा जाता होगा, मतलब ये वाटर पॉल्यूशन कितना बड़ा है दोस्तों गंगा नदी में आप सोच ही सकते होंगे। तो गंगा नदी में जो है वो कितना पॉल्यूशन छोड़ा जाता था दोस्तों रोज, उसके बारे में बात करके अब बात करते हैं कि कोरोना पैंडेमिक का जो असर है वो क्या हुआ है, मतलब लॉकडाउन वन, लॉकडाउन टू, लॉकडाउन थ्री का जो असर हुआ है वो क्या हुआ है गंगा नदी में, उससे उसको कितना फायदा हुआ है वो जान लेते हैं अभी। तो दोस्तों अभी हाल ही में काफी सारे रिसर्चर्स ने और काफी सारे साइंटिस्ट ने गंगा नदी के सैंपल्स लिए थे दोस्तों, तो उनकी रिपोर्ट में देखने को मिला कि गंगा नदी जो है वो अपने आप ही हील हो रही है, मतलब अपने आप ही ठीक हो रही है पिछले कुछ महीने से। लॉकडाउन वन, लॉकडाउन टू, लॉकडाउन थ्री के कारण जो गंगा नदी है वो अपने आप में ही खूब ठीक हो रही है, उसकी वाटर की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है दोस्तों। इन सब चीजों का मेजर कारण निकल के सामने आता है वो है इंडस्ट्रीज का बंद होना, मतलब लॉकडाउन के कारण जो इंडस्ट्रीज बंद थी, एक तरह से लगभग सब इंडस्ट्रीज बंद थी दोस्तों गंगा के आसपास, इसी कारण से जो पॉल्यूटेड वाटर जो है दोस्तों वो हर रोज का गंगा नदी में नहीं आ पाता। इससे जो है वो गंगा नदी को अपने आप को हील करने की जो है वो टाइम मिला दोस्तों, इससे जो है वो गंगा नदी की वाटर की क्वालिटी भी जो है वो भी बढ़ गई है दोस्तों। तो अब मैं आपको और एक अच्छी बात बताता हूं, गंगा रिवर को जो है वो क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट भी अभी आगे आई है। 2015 में जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट निकाला था नमामि गंगे प्रोजेक्ट दोस्तों, जिसमें जो है गवर्नमेंट ने ठान लिया था कि गंगा को जो है अभी हम क्लीन करेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान दोस्तों कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई अर्बनाइजेशन नहीं है दोस्तों गंगा में, इसलिए गवर्नमेंट ने भी साथ दिया है, मतलब गवर्नमेंट भी है अभी कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो है गंगा को साफ करने की प्रोसेस आगे बढ़ा रही है, मतलब पहले के मुकाबले काफी अच्छा काम हो रहा है दोस्तों गंगा को साफ करने का। तो दोस्तों एक पॉइंट मुझसे रह गया, टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट जो है उनका जो है मेजर रोल होता है पॉल्यूशन करने, मतलब गंगा नदी में जो पॉल्यूशन है दोस्तों उसका एक थोड़ा सा मेजर पार्ट टूरिस्ट का भी होता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग वहां पे जाके कहीं भी कचरा वचरा फेंक देते हैं, इसके कारण भी जो है गंगा पॉल्यूटेड होती थी। पर अभी टूरिज्म कम हुआ है दोस्तों पैंडेमिक के दौरान, इसके कारण से भी है जो है गंगा को मदद मिली है काफी सारी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, हमारे इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है दोस्तों उनको भी काफी मदद मिली है इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन के कारण दोस्तों। काफी रिसर्च और काफी साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये जो लॉकडाउन है दोस्तों उससे काफी सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके, जो स्पीसीज थे दोस्तों उनको काफी मदद हुई है मतलब ग्रो करने। पहले जो है वो एक्टिविटीज सब चलती थी दोस्तों, उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हो पाता था, पर अभी लॉकडाउन के कारण जो है वो वाइल्ड लाइफ को भी काफी अच्छी मदद हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस लॉकडाउन पैंडेमिक के दौरान आपने काफी सारी ऐसी इमेजेस देखी होगी जिसमें आपको दिखा होगा कि काफी सारे एनिमल्स जो है दोस्तों वो रोड पे आ रहे हैं, काफी सारी ऐसी फिशेस जो है वो नदी में आपको देखने को मिल रही है जो एंडेंजर्ड थी, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी दोस्तों। तो काफी सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का अलग अलग कहना है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स को जो है बहुत ही अच्छा हुआ है पैंडेमिक के दौरान, मतलब उनके लिए एक फायदे के रूप में पैंडेमिक निकल के सामने आया, और कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, ऐसे जो एनिमल्स थे दोस्तों वो पहले भी हुआ करते थे, मतलब जब ह्यूमन एक्टिविटी होती थी तब ऐसे एनिमल्स जो
है वो दिखते नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन का जो है आवन जावन होता रहता था दोस्तों। पर अभी लॉकडाउन के कारण ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है दोस्तों, इसी कारण जो है वो काफी सारे एनिमल्स जो है वो कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको इन दोनों पहलू में से कौन सा पहलू सही लगता है दोस्तों, आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि गंगा नदी जो है उसमें कितना पॉल्यूशन था और अभी वो अपने आप कैसे हील हो रही है दोस्तों। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल मत जाना दोस्तों। ये चल रहा है 7 days 7 वीडियोस का चैलेंज, एक्चुअली ये पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं सोशल कर्म के और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।